हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। तो आज हम आपको घर में पड़े मटेरियल से फोटो फ्रेम बनाना सिखाएंगे। तो हमने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है जिसकी लेंथ 18.5 सेंटीमीटर है और विड्थ 22 सेंटीमीटर है। इसके साथ हम एक चार्ट पेपर का पीस लेंगे और साथ में हम थोड़े से चावल लेंगे। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले हम फ्रेम को इनर साइड से कट करेंगे जिसकी लेंथ हम लेंगे 10 सेंटीमीटर और विड्थ 13 सेंटीमीटर, यानी कि हम इसे एक रेक्टेंगल की शेप में कट करेंगे। देखिए, हमने इस फ्रेम को कट कर दिया है जो कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम एक चार्ट पेपर का पीस लेंगे और उसके एजेस को कट करके कार्डबोर्ड पर पेस्ट करेंगे। चार्ट पेपर को कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट करने के बाद वो कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम इस पर ग्लू लगाएंगे। और इसके ऊपर चावल स्प्रिंकल कर देंगे और उसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम फ्रेम के साइज का एक और चार्ट पेपर लेंगे और इसके ऊपर कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस पेस्ट करेंगे। उसके बाद जो फ्रेम हमने बनाया है वो पेस्ट कर देंगे। अब हमारा फोटो फ्रेम लगभग तैयार है। हमने इस फ्रेम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए गोल्डन कलर का यूज किया है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, आप चाहें तो पेपर फ्लास का भी यूज कर सकते हैं। अब हमने कलर कर दिया है और अब हम इसके अंदर फोटो डालेंगे। तो देखिए, हमने फोटो डाल दिया है, ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब हम इस फ्रेम की सपोर्ट के लिए एक कार्डबोर्ड का पीस लेंगे और उसको चार्ट पेपर से कवर कर लेंगे और उसको फ्रेम पर पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, हमारा फ्रेम बन चुका है और वो आगे से कुछ इस तरह दिखता है और पीछे से इस तरह। तो गाइस, आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।